जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूप। तो यहाँ पर सीआरपीएफ की बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही है। एक और नया नोटिफिकेशन जो है सीआरपीएफ की तरफ से आया है, जो कि यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेडमेंट्स भर्ती 2023 के लिए, जी हाँ, यहाँ पर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सीआरपीएफ की नई भर्ती का। और इस भर्ती की पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती की हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई हुई है वो 9212 पद पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। डेट्स आप याद रखेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दे दी गई है। देखिए, यह है ऑफिशियली नोटिफिकेशन और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट नोटिस करके दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेडमैन, दो यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है और मेल और फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 27 मार्च 2023 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस भर्ती की पूरी डिटेल्स को यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आप लोगों की एग्ज़ाम होगी वो भी आप लोगों की ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी और इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में यहाँ पर एग्ज़ाम होगी। सबसे पहले एग्ज़ाम होगी, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, पीईटी और पीएचटी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर एक एक चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें पे सेल, तो यहाँ पर इसके लिए जो है आप लोगों का लेवल 3 रहेगा, 21,700 से लेकर 69,100 तक, ठीक है। चौथे पॉइंट में वैकेंसी की डिटेल दिया गया, 9,105 टोटल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है और 107 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने स्टेट्स की वैकेंसी को जो है देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, तो आप अपने स्टेट्स की वैकेंसी देख सकते हैं कितनी क्या यहाँ पर जो है वैकेंसी रखी गई है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए फीमेल्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि फीमेल्स में कौन कौन सी जो है स्टेट में कितनी कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए आगे की डिटेल्स को समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए आवेदन जो फीस है वो अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 100 रुपये, ठीक है। एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रहेगी। डेट्स को एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आज यानी 15 मार्च को जारी किया जा चुका है और जो ऑनलाइन है वो 27 मार्च से लेकर जो है 25 अप्रैल तक चलने वाले हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आप लोगों को डेट दे दी गई है कि 20 से लेकर 25 जून के बीच आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो 1 से लेकर 13 जुलाई के बीच यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वैकेंसी जो है आप लोगों की टोटल मेल के लिए 9,105 और फीमेल के लिए 107 वैकेंसीज है। अब एज लिमिट क्या रहेगी, तो देखिए 18 से 23 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो है ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए 21 से लेकर 27 जो है यहाँ पर रहने वाली है और 1/8/2023 से आपकी एज काउंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो कांस्टेबल मेल की वैकेंसी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आप लोगों को यहाँ पर मांगा है। आप 10वीं पास है तो आप फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले सीबीटी होगा और सीबीटी में क्या क्या होगा वो भी हम देखेंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि ड्राइवर पोस्ट के लिए होगा, फिजिकल होगा, ठीक है, पीईटी होगा और पीएसटी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर होगा, जैसे कि आपकी हाइट की माप, छाती की माप, ठीक है, आप लोगों का जो दौड़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये स्टेप्स यहाँ पर रहने वाले सिलेक्शन प्रोसेस में। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि आप 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जो टाइम है आप लोगों को 2 घंटे का दिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और टोटल जो है 100 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए, हिंदी या इंग्लिश इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। जो आप लोगों का एलिमेंट्री मैथ्स जो है वो आप लोगों को 25 पूछी जाएगी 25 नंबर की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जीके जो है आप लोगों का यहाँ पर 25 नंबर का और रीजनिंग जो है आप लोगों को 25 पूछी जाएगी 25 नंबर की, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम का सिलेबस था। आप एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों का जो है यहाँ पर क्या होगा देखिए, उसके बाद आप लोगों का जो है फिजिकल होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगा है इस चीज़ को हम देखते हैं। अब उससे पहले जो आप लोगों की टाइप की पोस्ट है कांस्टेबल में, तो देखिए सबसे पहले सिटी ड्राइवर की पोस्ट रहेगी और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों को जो है 10वीं पास यहाँ पर जो है होना चाहिए, ये यहाँ पर उन्होंने बोला है। मैट्रिक जो है आप लोगों को 10वीं पास यहाँ पर होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके साथ, तो इसमें आप लोगों को साथ में जो है हेवी ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा, व्हीकल, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाला, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर यहाँ पर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन दोनों है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है 12वीं पास होना चाहिए और साथ में यहाँ पर जो है 2 साल का जो है जो ITI है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर अगर हम बात करें तो इसके साथ जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये यहाँ पर जो है चल जाएगा, ठीक है, मैकेनिकल में। अब देखिए अगला है फॉर ऑल जो ट्रेडमैन की पोस्ट है, और ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए क्या मांगा है, देखिए मिनिमम जो मैट्रिकुलेशन यहाँ पर होना चाहिए 10वीं पास आप लोगों का होना चाहिए, सेंट्रल से हो या फिर स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं मांगेगा। और अगर आप जो है एक्स आर्मी वाले हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा है, देखिए यहाँ पर बोला है कि मस्ट बी जो प्रोफिशिएंट जो है एंड वर्केड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी इस ट्रेड से संबंधित, जैसे कि आल जो ट्रेड है यानी अलग अलग इसमें ट्रेड्स है उसके अनुसार आपको जो है यहाँ पर स्किल जो है आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगली जो पोस्ट है, ठीक है, पेनियर विंग की जो पोस्ट है इसमें आप लोगों को जो है 10वीं पास उसके साथ साथ उसका जो है प्लम्बिंग का जो है सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा हुआ है। ये तो जो क्वालिफिकेशन थी क्वालिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब फिजिकल क्वालिफिकेशन किस तरीके से यहाँ पर रखी गई है उस चीज़ को यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए हाइट के बारे में दिया है फिजिकल में। तो फिजिकल में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों की हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है। उसमें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, देखिए इसमें कुछ जो है टेक्निकल ट्रेडमेंट्स में 2 अलग अलग ट्रेड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर रहने वाला, इस चीज़ को आप देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 170 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए यहाँ पर चाहिए होगी। बाकी जो 5 ऐसे कैटेगरी है जिनको यहाँ पर छूट दिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इसमें अगर आप है तो 162.5, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अगर आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 157, ठीक है। ये अलग अलग देख सकते हैं कि अलग अलग जो है स्टेट्स वालों को, पहाड़ी क्षेत्रों को, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इनको जो है अलग यहाँ पर छूट जो है इसमें दी गई है। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा हुआ है और आपको नॉर्मल कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाना है। बाकी उसी तरीके से यहाँ पर रहने वाला है जो आपका ST SC है, ठीक है, उनको 76 से लेकर जो है यहाँ पर 5 फुलाना है। उस तरीके से आप पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, इनको जो है यहाँ पर छूट यहाँ पर इसमें दी हुई है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ट्रेड वाइज, जैसे कि सिटी ड्राइवर है, ठीक है, मोटर व्हीकल है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट है, ठीक है, पेंटर वगैरह, पाइप फिटर, इनकी जो इसमें आपको जो रनिंग होगी वो 5 किलोमीटर होगी 24 मिनट में, ठीक है, और फीमेल के लिए 1.6 यानी आपका जो SSGD में होता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये सिर्फ जो है क्वालिफिकेशन वाला रहने, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आप लोगों का जो कहना चाहिए आपके एग्ज़ाम है उसके जो मार्क्स है उसके अनुसार यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। वेट के बारे में यहाँ पर उतना कुछ नहीं बोला है कितना क्या वेट चाहिए, बाकी आप लोगों को आपके हाइट के अनुसार वेट यहाँ पर चाहिए। ट्रेड टेस्ट यहाँ पर बोला है, देखिए ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है किस तरीके से, तो ड्राइवर है तो ड्राइवर के टेस्ट में आप लोगों का ड्राइविंग का जो है आपका ट्रेड होगा, फिटर है तो फिटर की, ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल, इनकी जो है नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर अलग अलग ट्रेड दिए, केबलर है, कारपेंटर है, पेंटर है, ठीक है, ये आप लोगों का ट्रेड है। यहाँ पर लगभग 12-13 ट्रेड यहाँ पर बार्बर वगैरह भी दिया हुआ है, तो इस ट्रेड के अनुसार आप लोगों को जो है उसका क्वालिफिकेशन या फिर स्किल टेस्ट जो है लिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस भर्ती से जुड़ी, है ना, आई विज़न वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।